मतलब देश को और धर्म को हर तरीके से बांटने और बर्बाद करने की साजिश है। ये इतनी खूबसूरत तस्वीर है जो मेरी आंखों के सामने है इस समय, आप दिखाइए, इतनी खूबसूरत तस्वीर है। एक तरफ सिख है, हम लोग हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, ये लोग मुस्लिम है, मतलब इस तस्वीर को आप अपने जहन में ये कैसे मिटाएंगे? इसलिए जरूरत है कि आप अपने बच्चों को जरूर इस आंदोलन में लेकर आए, वो ये देखे कि जो पीढ़ी आज नफरतों से भर गई है वो पीढ़ी फिर मोहब्बत से भर जाए। आज इस हिंदू मुस्लिम एकता को देखना चाहिए लोगों आके, जो लोग अंधभक्त अपने घरों पर बैठकर प्रोपोगंडा कर रहे हैं, भाजपा के आरटीसीएल वाले, आरएसएस वाले, नागपुर वाले, वहां बैठकर जो आंदोलन को कह रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, ये तो आतंकवादी है, वो लोग आकर देखें कि यहां पर कितना खूबसूरत दृश्य है, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का नजारा आप देख रहे हैं। पीछे कितना हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहे हैं, सिख भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका वक्तव्य चल रहा है। इधर हम लोग हिंदू कम्युनिटी इनका साथ देने आए हैं, हम भी किसान हैं, हालांकि हम सबकी खेती बाड़ी उत्तर प्रदेश में है, गांव में है, हम सब दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम सब निर्भर तो खेती पर ही हैं। हमारे पिताजी खेती करते हैं, हम यहाँ दिल्ली में हैं, कमाते हैं, उनका सहयोग करते हैं, लेकिन अनाज तो हम अपने गाँव का ही खाते हैं। जब भी गाँव से आते हैं तो हम बोरियों में भरकर अनाज गाँव से ही लाते हैं। किसानों को देख लो मोदी जी, रहना पाओगे, भुला के किसानों को देख लो, और अगर ना यकीन हो तो आजमा के देख लो अगर ना यकीन हो तो आजमा के देख लो। आगे हर वक्त कमी महसूस होगी तुम्हें किसानों की, हर वक्त कमी महसूस होगी तुम्हें किसानों की। तुम अपनी महफिल को चाय जितना सजा के देख लो, तुम अपनी महफिल को चाय जितना सजा के देख लो। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तस्वीर, ये असल भारत की तस्वीर है, आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए धरना प्रदर्शन भी जारी है, यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नमाज भी अदा की जा रही है यहाँ पर। ये है असल भारत की तस्वीर, ये आप देख सकते हैं हर कम्युनिटी के लोग यहाँ पर है, ये कहा जाए तो पूरा भारत है। मोदी जी रहना पाओगे भुला के किसानों को, मोदी जी रहना पाओगे भुला के किसानों को, मोदी जी रहना पाओगे किसानों को भुलाकर, नहीं भुला के किसानों, भुला के किसानों को देख लो मोदी जी रहना पाओगे भुला के किसानों को देख लो, और अगर ना यकीन हो तो आजमा के देख लो अगर ना यकीन हो तो आजमा के देख लो। आगे हर वक्त कमी महसूस होगी तुम्हें किसानों की, हर वक्त कमी महसूस होगी तुम्हें किसानों की। तुम अपनी महफिल को चाय जितना सजा के देख लो, तुम अपनी महफिल को चाय जितना सजा के देख लो। जय जवान जय।